दिन भर जो भागा दौड़ी वो धूप में कुछ भी खाने का। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिशा ब्लॉगर शेफाली। में कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एंड आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों के मस्ती से, तो ये ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, मतलब ये फनमेस्ट ब्लॉग है। और तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं इसमें। Four. दो हफ्ते के बाद आज सब कुछ नॉर्मल हो रहा है और आज खुशी का डांस क्लास है और टाइम हो गया है 4:30 हो गया है। हस्बैंड आ गए ऑफिस में, इसको लेके जाएंगे और लेके आएंगे, ये काम उनका है। और खुशी भी बहुत खुश है, देखिए वो उठ गई है, जल्दी उठ गई सो के। और पापा से वो फ्रूट वगैरह लेके आए थे, उसको लेके वो अपना जगह में रख रही है। ये बोतल तेरे फोटो उठे क्या? संडे और मंडे में ही जाना, संडे और मंडे में जाना पड़ेगा। अच्छा, डांस क्लास चेंज हो गया में मैम का थोड़ी सी कुछ काम है। अच्छा, वरना तीनों मुझे लगा ये तीनों काम करेंगे। हाँ, और इनमें से दो गए। हाँ, आपका सैटरडे बंद हो गया क्लास? हाँ, और इसलिए आज कौन सा दिन है जा रहे हो? आज मंडे है। आज मंडे, मंडे में जा रहे हो किसके साथ? अपने पीछे तो देखो। टाटा। और अभी टाइम हो गया है, 6 बज गया है शाम का। और ये लड़की डांस क्लास से आ गई है और मैं इसको पूछ रही हूँ, मतलब 2-3 क्लास तेरा मिस हुआ है, क्या क्या सिखाया है? तो ये कैसे बोल रही है, इसको तो मजाक सूझ रहा है हमेशा। कड़को तो कदन को थी। और क्या हुआ? कुछ नहीं। मैम ने क्या बोला? भूमि प्रणाम किया। अच्छा, अच्छा अभी तुम क्या पी रहे हो? स्लाइस स्लाइस पी रहे हो? नहीं, पानी। नहीं, पानी पी रहे हो? अच्छा, खुद देख लो ये क्या है। हाँ, खुद देख लिया ये क्या है। अच्छा ठीक है, चलो मैं चल रही हूँ, शाम हो गया है, ठीक है, पूजा के लिए जा रही हूँ घर में, तो मैं यहाँ पर बैठो। हाँ, मैं जा रही हूँ, फ्रेश होके आरती करेंगे ठाकुर जी के पास। बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ जल्दी, बहुत दिनों के बाद लाइफ, मतलब जो पहले वाला पटरी में आ गया, बहुत दिनों के बाद
नहीं 15 दिन के बाद ही खुशी गई है क्लास। अपना भी जा रही हूँ, शाम हो गया, जा रही हूँ आरती कर लूँगी और फिर आपसे मिलूँगी। और फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात का 9 बज रहे हैं, और क्लाइमेट आज जिस तरह का है ना उड़ीसा में, मैं बता नहीं सकती। देखिए मैंने मतलब एक पत्ता कहीं पर नहीं हिल रहा है, देखिए ये कोई मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं, कुछ नहीं, इतना इतना ह्यूमिडिटी आज है। आज न्यूज़ में बोला था कि आज ह्यूमिडिटी हमारा एटमोसफियर में उड़ीसा में 85% रहेगा। मतलब आप देख सकते हैं, मैं सुबह से नहीं, मैं शाम से 2 बार नहा चुकी हूँ। दिन भर जो भागा दौड़ी वो धूप में, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, मेरा भी तो कुछ मन नहीं करता। मैं बस थोड़ा सा शरबत वरबत कुछ पी के ना सो जाऊँ, वही मन करता है मेरा। बच्चों के लिए बनाए हैं, अब जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली ये हेल्दी डाइट है, तो नॉर्मली तो हम लोग रोटी वगैरह सब बनाते हैं, नहीं खाते नहीं खाते, रात में वही रोटी और भाजा भाजी बनाती हूँ। वही मैं आलू और परवल का भाजी बना दिया है, परवल आ जाओ बीन्स, और यहाँ पर रोटी बना के रख दिया है बच्चों के लिए। और अभी मैं जा रही हूँ सागू का पना बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, तो आप ब्लॉग में बने रहिए, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे सागू का पना बनाने के लिए मैंने सागू को 4-5 घंटा भिगो दिया था, और अभी इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। इसमें मैंने मिश्री का पानी है उसको भी भिगो के रखा था, वही डाल रही हूँ। और इसमें केला और नारियल और मैंने एप्पल का क्यूब्स छोटा छोटा पीस काट करके रखा था, वो सब डाल के मैं ग्राइंडिंग कर लूँगी, थोड़ा सा मतलब दरदरा ग्राइंडिंग करूँगी, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है। और हाँ, इसमें दूध भी डालना है, और शक्कर के तौर से तो मैंने मिश्री को डाल दिया, और थोड़ा थोड़ी सी नमक और थोड़ी पेपर के पाउडर, नहीं तो जो कैडामम का पाउडर है कुछ भी डाल लेंगे जो चलेगा। तो फिर इसमें को थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद उसमें जो बचा हुआ कुछ फ्रूट्स था उसको सारे डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया है। और हस्बैंड को मैं लेके दे दूँगी, क्योंकि आज उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धूप में इधर उधर होते हैं, उनका काम जनरली साइड में रहता है, तो उनको आज वो आज यही पी के ही सोएंगे। तो फ्रेंड्स खाना बना दिया, सागू का बना दिया है, और रोटी और भाजी बना दिया है, और खाना दे के आई हूँ बच्चों को। अभी मेरा हालत देखिए, ये है दिन भर ऐसा हालत में काम करना पड़ता है। और रात का अभी 10:30 हो चुका है, करंट भी चला गया, देखिए बाहर कितना अंधेरा है, ये खिड़की से बाहर देखिए कितना अंधेरा है, करंट चला गया है। और अभी मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को एंड करूँगी, बाहर जा रही थी शूट करने, करंट चला गया, तो फिर किचन में इन्वर्टर का लाइट यूज़ करके कर रही हूँ, और आज का ब्लॉग मैं ही एंड करती हूँ। तो और करेंट नहीं है तो वीडियो भी नहीं हो पाएगा, तो छोटा सा वीडियो था आज का, कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा। एंड मिलते हूँ आपके साथ और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड जय जगन्नाथ।